الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فزل البشر وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <تصحيح> يا رب مجھ کو زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے یہ جو دنیا کی تقدیر ہیں आज हैं कल ख़ज़ा में बदल जाएंगी जिसकी खुशबू से जन्नत की खुशबू मिले बस मुझको ऐसा मुस्तफाई चमन चाहिए मोहतरम असाजा किराम और मेरे हम मिशन बायो दोस्तों जैसा कि आप हज़रा को मालूम है कि रबी अव्वल का महीना जारी उसारी है ये वो मुबारक महीना है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यही वो महीना है जिसमें जिस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए अल्लाह इज़्ज़त ने आपसलात वसलाम की विलादत का दिन और आपकी वफ़ात का दिन ये दोनों दिन एक महीने रबी अव्वल में जमा कर दिए गोया कि ये बतला दिया कि अगर कोई इस महीने रबी अव्वल में मेरे नबी की मिलाद की खुशी में जश्न मनाने लगे तो उसके सामने मेरे नबी की वफात का गम आ जाए और मेरे नबी की मिलाद की खुशी उसको वफात का गम मनाने न दे और अगर कोई मेरे नबी की वफात का गम के गम के अंदर मातम करने लगे उसके सामने मेरे नबी की मिलाद की खुशी आ जाए मिलाद की खुशी मातम न करने दे तो इसी मुनासबत से माह रबी अव्वल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम की सीरत और सूरत के हवाले से बड़ी कसरत के साथ तस्करा किया जाता है और क्यों न हो कि अल्लाह रबुल्ज़त ने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा अल्लाह रबुलायत अपने महबूब पाक अली व सलाम का तस्करा करते हुए अपने पाक कलाम इरशाद फ़रमाते हैं فيهم رسولا कायनात का, का खालि क्रब कायनात का मालिक रब सबकी बिगड़ी बनाने वाला संवारने वाला हाजत रवा और मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह अपनी अजमतों वाली किताब में फरमाने लगा लकद मन के हमने ईमान वालों पर एहसान कर दिया परवरदिगार आलम तेरे एहसना तो हैं तूने सितारों से आसमां को मुजैन किया इंसान के लिए चाँद को चाँद नहीं दी इंसान के लिए सूरज को रोशन बनाया इंसान के लिए खेतियों को ले ले आया इंसान के लिए दरियाओं को बहाया इंसान के लिए सबा को लताफतें अता की इंसान के लिए समुद्रों को मोजन किया इंसान के लिए गर्जे के सारी कायनात को बनाकर सारी कायनात को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर सारी कायनात को बनाया लेकिन एहसान नहीं जितलाया सारी कायनात को बना कर सजा कर संवार कर मेरा रब मेरा रब मेजबान बन गया तू और मैं मेहमान बन गए लेकिन कायनात के रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया ये मेरा एहसान है लेकिन जब अपने महबूब का तजकरा करने लगे तो रबालमीन भी एहसान जितलाने लगे ओ मोमिनो ओ इंसानों ज़रा मेरे महबूब पाकली सलात वाम से के आने से पहले की ज़िंदगी को देखो जुल्म जबर वाली ज़िंदगी हैवानियत वाली ज़िंदगी यही इंसान था कि जो जिसने ने को 360 सौ साठ बुतों से सजा कर रखा हुआ था यही इंसान जो बुतों को अपने हाथों से तराश कर उसके सामने सजदे किया करता था अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा एहसान तो देखो मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया मेरे महबूब ने तुम्हें मेरा तारुफ करवाया और दर दर की गदागर जबीं को हर दरबार पर झुकने वाली जबीं को हर आस्थाने वाली हर आस्थाने पर झुकने वाली जबीं को उठाया और मेरे दरबार पर झुकाने वाला बना दिया तो इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्ला वसम की ये कैफ़ियत मैदान मशर में भी होगी उस वक़्त तक सर सजदे से नहीं उठाएंगे जब तक हिसाब शुरू नहीं होगा दुआ है कि रब तआला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन